Hey everybody, welcome back to our YouTube family by again. I think you all joined the live section. So in this class we will discuss about last concept of your first unit of your genetics, that is what do we understand by recessive trait and dominant trait. Basically tumara dominant trait ka ko ache na juta tumara firstly express hobo in the presence of your multiple allele. डोमिनेटिंग कैपेसिटी थी बुझेगा. डोमिनेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट एंड रिसेसिव इज ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन द नो डोमिनेंट इज प्रेजेंट और इट वाज डोमिनेंट जीन इज एब्सेंट. रिसेसिव जीन टा केते बेले तुम्हारा एक्सप्रेस होबो ना जेते बेले डोमिनेंट जीन टा एब्सेंट थिबो. ओके, डोमिनेंट जीन टा ऑलवेज कवर करी रहिता है, मास्क करी रहिता है तो ओवर द रिसेसिव जीन. रिसेसिव ट्रेट्स गुड़ाक कौन होता है ना से गुड़ाक कवर होगी रही था डोमिनेंट ट्रेट द्वारा. ओके, सो आज ऑब्जेक्टिव होची कौन ना सेट अप द पुनिट स्क्वायर ऑफ प्रेडिक्ट द ऑफस्प्रिंग एंड कंपेयर द डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट एंड ऑब्जर्व द टर्म्स ऑफ इन द ह्यूमन. बेसिकली तुम कौन ना जो डोमिनेंट आ रिसेसिव ट्रेट द्वारा हमर कौन कौन जिनस देखा मिलता है ना हमें टॉन्ग रोल. टॉन्ग रोल टा समस्त करि परबे नै. ओके, से जिनसटा डोमिनेंट्स माने टॉन्ग टी को रोल कर दे परबे. जिमे देखिथिबो तुम्हें स्टेटस चलथिला बहुत सारा माने मॉडल्स हीरोइन गोडा से माने सब टॉन्ग रोल करथले तो जे मन जानथिबो जानथिबे. सो आ गोटे कैटेगरी आसी गला फ्री ईयर लोब. फ्री जो ईयर लोब्स रहला से ईयर लोब टा भी फ्रीली तो देखियो मिल था डोमिनेंट केस रे. ओके, अनदर इज विडोपिक. डब्लू साइज रे जो होई छी एडा होची तमरो विडोपिक. ओके, देन तमरा आसला डिंपल्स ऑन द चीक. चीक रे ऊपर जो डिंपल्स होची दैट इज डिंपल्स ऑन द चीक. ओके, देन इट द लॉन्ग आईलेस. तमरा आईलेस गुड़ाक बहुत बड़ बड़ हो. ओके, देन इट इज अ नेचुरल हेयर डार्क हेयर. ए टाइप रो जिंस गुड़ाक तमर कोन ना डोमिनेंट केस रे कॉल्ड होइत पो नेचुरल हेयर. हाई हाई रेट रे थिबो डार्क हेयर गुड़ाक देखिया को मिलिथाय कॉल्ड हेयर होइथाय पारे किंबा तमरो ब्राउन आई और ग्रीन आई जो हेजल साइड रहिथाय से गुड़ाक भी डोमिनेंट रिसेसिव केस रे देखिया को मिलिथाय. ओके, देन होजी तमर रोमन नोज. ओके, ए टाइप जिन गुड़ा तुमको देखा मिलता है एंड हेयर ऑन द मीट डाइट तुम आंगुठी उपर देखी थे तुम किसी लोक हेयर थाए ए पोर्सन आ पोर्सन. ओके, से टाइप कंडीशन गुड़ाक भी आम डोमिनेंट और रिसेसिव एग्जांपल्स रे आसी पारे. ओके, देन तुम राइट हैंडेड कौन ना किसी लोक था राइट हैंडेड रही किसी हूँ कौन ना लेफ्ट हैंड जिनस गुड़ा करते जमी आम सीएम सीएमसी कौन करती ना लेफ्ट हैंड वर्क गुटा करती. ओके, देन हूँ बेंड द लिटिल फिंगर. सब समस्त दुईटा जाक हाथ को जोड़ी देला तुम लिटिल फिंगर टी को समस्ते बेंड करें ना. ओके, को टाइप रेंड देखी ना ए टाइप रेंड. ओके, देन तुम आसीगला लेफ्ट थम ओवर राइट. लेफ्ट थम को राइट थम रूपर रखी पारे समस्ते ये जिनस गुड़ा सब रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट केस देखा मिलता है. ये टाइप रुम थम टी को फोल्ड कर मानने बेंड कर एपट साइड को हिचकर्स. हिचकर्स मीन जान थो आम लिफ्ट नहीं गाड़ी जी गाड़ी मानने जो मैंने मानने बहुत दूर बाट पाई जाती भी मैंने हिचकर्स कहते. ओके, देन सेकेंड टोए लंगर. ये जो टोएटा से लंगर होगा कौ केस देखा मिलता है डोमिनेंट केस देखा मिलता है मोस्टली. ओके, देन हूँ क्लेफ्ट चीन. जो ए पोर्सन में तुम से ओडिया कौन कहते मत जान पार मन पड़नी तो ये टाइप ये ना तुम कौन ना तुम जो टे गात भाया होट इज लेफ्ट चीन. ओके, देन आसला तुम
फ्रिकल्स मीन्स कौन ना धब्बा गुड़ाक हो जाइए तुम पूरा फेस साइड रे बुझल देन हूँ कौन ना वेट इयर वैक्स तुम जो इयर वैक्स गुड़ाक बहुत ऑयली वेट वेट था मीन्स बहुत लिक्विडेट होता है The dominant alleles or traits that always expressed when it is present and recessive is only expressed when there is no dominant or gene or absent of your dominant genes. And in comparison to dominant, the recessive gene is always observed then in the human beings and it is covered and masked by the of dominant genes. So last the question, are the dominant traits are common than recessive one? Amar basically mostly dominant trait dekhiya milta hai na recessive trait dekhiya milta hai. Not always the dominant traits are found in common. There has been such recessive traits also found. There are found very common in some populations. Okay. सो तुम लास्ट एंड लिस्ट तुम लास्ट पार्ट थी तुम फर्स्ट यूनिट दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ओके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज तुम कौन ना क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस रो गोटे अप्रोच अटे जहाँ कि देख कौन गोटे जीन हो कि ट्रेट हो जो एक्सप्रेस होक्सप्रेस हो भावनी ह्यूमन कलर समस्त ह्यूमन स्किन टोन अटे सामान अटे कि सामान ना कहीं बिकज तुम सिंगल जीन टा एक्सप्रेस हो डिफरेंट क्वांटिटी इन कंपेरिजन टू डिफरेंट पर्सन भितर ओके समस्त भितर सेम डोमिनेंट जीन्स अच्छे और सेम रिसीव जीन्स अच्छे और मिक्स जीन्स अच्छे किंतु सेठी कौन होछ ना से ट्रेट जितबले एक्सप्रेस होची इन द बॉडी भीतर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भीतर सी केतटा फैक्टर्स रहउची जोटा ताको कोन इंपैक्ट करे थाय तार स्किन कलर टिकु चेंजेस करे पई सच केस दैट इज सिंगल जीन एक्सप्रेस होची डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ओके सो That's like a skin pigmentation, polygenic inheritance of best example अटे ओके दैट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असेसमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन कहला ना होमोलोगस क्रोमोजोम दैट सेग्रीगेट ड्यूरिंग योर मेयोसिस प्रोसेस मीन्स कौन ना तुम जितक सेम सेम टाइप देखा क्रोमोजोम गुडाक मिसी जाए ड्यूरींग योर मेयोसिस प्रोसेस एंड दैट डिफरेंट गैमेट गुड़ाक प्रोडक्शन कर किंतु लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट कौन कही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट कही मेंडल्स लॉ रे ना दैट सेपरेट हो जाती ड्यूरींग द प्रोसेस ऑफ योर मेयोसिस जो ट्रेड्स गुड़ा रहा सेपरेट हो जाती सेपरेट हो कौन कर दैट एलील्स आर कॉमनली डिफरेंट फॉर्म कर क्रोमोसोम एंड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली गैमेट गैमेट गुड़ाक भी तरह रैंडमली होता है सो यही केस कौन होता है ना कि टू बोथ केस टी एक्सप्रेस करमी एक्सप्रेस कराई ना यूज अफ सिंपल मॉडल टू एक्सप्लेन द फ्लुएंस दैट मल्टीपल जीन्स कैन हाव वन कैरेक्टरिस्टिक अनकैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन ना तुम बेसिकली तुम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर उपर केमी सारा इफेक्ट पकोची सेटा तुमको देखि पारिबो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट को यूज करके ओके दैट विल एक्सप्लेन योर कॉम्प्लेक्सिटी इज कंपाउंडेड बाय अदर जीन्स प्रॉपर्टी सच एज मल्टीपल एलील्स और एपिस्टेटिस मल्टीपल एलील्स और एपिस्टेटिस तुमर मानसर पढ़ी सारथिबे तो जानिथिबो मल्टीपल एलील्स कोन होइथाय ना सिंगल मल्टीपल एलील्स मिसिकी गोटे सिंगल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को तुम्हारा एक्सप्रेस करोथिबे एपिस्टेटिस्टिक मीन्स कौन ये केस टी देखो एपिस्टेटिस्टिक केस रे तुम्हारा कौन हो जाए ना डिफरेंट 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 फिनोटाइप्स रो ऑब्जर्वेशन होई थाए इन द देखो एटा लैब्राडोर केस रे So in the epistaxis, the phenotypic expression of your gene or one locus that alters that the gene of your second locus. गोटे जीन टा से कौन करी पारी बना alter करी पारी वो जीन ऑफ योर सेकेंड लोकेशन एंड दैट विल चेंजेस द फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स लाइक सच ओके
एपिसाइटिस ठीक तुमको कहीदे मानस तुमको भलसे आहरी बुझे जदि बुझेबे भल कथा पड़िबो ओके देन इट लिखि दे मेनी जीन्स एंड वन फिनोटाइप इट इज कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारा जीन मिसिकी जदि वन फिनोटाइप देखौथबो सेटा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है सो देयर आर मेनी एंड ड्रोजन ऑफ जीन्स दे आर एक्सप्रेस इन द प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन द स्किन पिगमेंटेशन स्किन में जो कलर्स आते हैं बिकॉज ऑफ हियर कौन मेलानिन कंटेंट को देखे कि जो मेलानिन कंटेंट हाई रहइबो सेटी कौन ना ब्लैक स्किन से हबो ब्लैक स्किन टोन हबो जो मेलानिन कंटेंट लो होइबो दैट इज अल्बिनो केस भी होइ पारे जो जीरो केस होइबो ओके सो स्किन पिगमेंटेशन ऊपर डिपेंड करछि तुम्हारा मेनी जीन कंटेंट ओके देन आसला तुम कौन ना इट कैन बी ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ योर ऑल रिलेवेंट जीन्स एंड दैट गिवन द फिनोटाइप्स लाइक एज केस ऑफ योर स्किन कलर एसेंशियली वी आर आस्किंग फॉर द नेचर ऑफ योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तुम स्किन कलर टी आसला ओके सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रे जदी आमे अज्यूम करबा कि कैपिटल स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ही थी तीन जगह एक्सप्रेस कला बेले से जितबे डोज सी प्रोडक्शन करबे स्किन कलर तार गोटे पुने डायग्राम देखि दबा होय तो लास्ट रे थिबो वन सेकंड सो ई गोटा देखो मेंडेल्स फ्लोर जो सेग्रीगेशन थिला मेयोसिस प्रोसेस रे मेयोसिस प्रोसेस पर कोन होइतला ना जो लव सेग्रीगेशन हिसाब रे दैट विल सेग्रीगेट होइ जायथाय और लव इंडिपेंडेंट असेसमेंट होइ तबरे से कोन ना इंडिपेंडेंटली से क्रोमोसोम गडा को सेपरेट होइ जाला परे सेपरेट होइ गला परे से कोन करथानी ना से गडा डिफरेंट डिफरेंट तांगर रैंडमली गैमेट फॉर्मेशन करथानी बुझैला से लव इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन और लव इंडिपेंडेंट असेसमेंट होइ तो बुझै छी देन जेतबे हमर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस केस होची भाबिनो ए स्किन टोन्स कोडा को विभिन्न प्रकार स्किन टोन होची तुम पुलिट डायग्राम रे बुक से देखे देबी ओके तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रो जानलो केमिर प्रेडिक्शन करा होची याको भलसे बुक से देखा जाय छी मु देखे देबी सो एमितरे कोन होता है ना एक्सपेक्टेड जो ऑफस्प्रिंग आस्थानी दुईटा कलर्स रो देन सेटा ऑफस्प्रिंग गुडा को विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंटेशन होता है ओके सो से तुम्हें आर्ट एम भी कहीदे कि ब्लैक टोन से गला सर तो से कौन जेनेटिक्स वैल्यू कर ना ओके सो एम कि मॉडल्स भी अच्छे जो कौन ना स्पैगेटी स्पैगेटी मीन्स कौन तुम बर्मिसिल्स खाउथबो कि चाउमिन्स खाउथबो से गुडा कौन डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए मल्टीपल कुक्ड हो सो सी कंडीशन में भी से कौन ना डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स देखो से बुझेगा मल्टीपल एलील कंडीशन देखिए ओके सो वन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज वन जीन मल्टीपल एलील सिंगल जीन जो मल्टीपल एलील कंडीशन देखे दैट इज वन काइंड ऑफ जीन दैट इज मल्टीपल एलील कंडीशन सो तुम मल्टीपल मल्टीपल एलीलिक कंडीशन दे आनिथबो एपिस्टाटिस के कोन कहला ना दुईटा जीन थिला बेले गोटी आ अल्टर कर देखि से तार चेंजेस करे कि फिनोटाइपिकल देखौथला सो सेही टाइप रो कंडीशन हमर भी एठी देखिया मिले थाय को केस रे ना पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस सेठी कोन होय थाय ना सेही केस रे मध्य सिंगल जीन्स दैट विल हैव टू थ्री और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव और एलील्स गुड़ाक फर्म कर ओके ठीक से भी तुम स्किन कलर्स गुड़ाक चेंज होता ओके सो एटी की जेटा फैक्टर्स रहला जाकी तुम स्किन कलर टाक केमिति करथाय तार एमसीआर प्रोटीन रिसेप्टर द्वारा होइथाय स्किन पिगमेंटेशन पई तुम को ट्रांसक्रिप्ट होइथाय नाइन डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट होइथाय डीसीटी एंड ट्रिप टू द्वारा जीन द्वारा रेगुलेट होइथाय ओके देन आउट रहला कोन ना MC1R जो रहा सी कौन करता है MCR1 इज द किक स्टार्टिंग मेलानिन सिंथेसिस प्रोसेस जहाद्वारा मेलानिन होगा द्वारा तुम 15 डिफरेंट लाइट एलील फोन कर स्किन कलर टा भी 15 डिफरेंट होता है ओके सो एपिस्टाटिस की तुमको कहती लैब्राडोर केस रे कौन होता है ना दीटा आलील जो रहा सी कौन करेंगे ना अल्टर है मॉडिफाई करके तार कौन ना एक्सप्रेशन कर जिनटा ओके सो तुम स्किन कलर उपर मतलब एपिस्टाटिस्टिक रो इफेक्ट रहता है सो एथरो हम समरी कोन जानि पाले ना द क्वेश्चन वी आस्क्ड वाज कैन वी एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द रिलेवेंट जीन्स आर अप टू ए गिवन फिनोटाइप इन दिस केस ऑफ स्किन कलर सो जेनेटिक्स हैव बीन डिटरमाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ सम रिलेवेंट जीन्स दैट आइदर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोटीन्स दे नो हाउ सम ऑफ देम इंटरैक्ट
जेनेटिकली आम जाने विभिन्न प्रकार डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी देखा मिलता है किसी जीन्स दैट से माने एक्सप्रेस कर प्रोटीन्स लाइक मेलानिन कंपोनेंट ओके तो से गुड़ाकर कौन ना से इंटरैक्ट जो होता है दुईटे एलो स्ट्रेन भितर से कौन ना इंटरैक्ट गुड़ाकर प्रोडक्ट ही होता है तुम्हारा स्किन कलर सो दे ऑल्सो नो दैट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्किन कलर इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड दैट हैज इट्स ओन कंटिन्यूअस नेचर ऑफ योर फिनोटाइप डिफरेंट प्रकार डिफरेंट टाइप फिनोटाइप देखा फर्स्ट गोटे प्योर लाइट आसो देन तार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आसो टोटल 15 कलर्स आसे से तुम बुक्स देखेदे ओके सो कम्प्लिकेटेड प्रोसेस फिनोटाइप होता है जेहतु आम पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस आए ओके सो आम बुक्स भी चेक कर ना ओके इसको और टू प्लस नहीं कर पाऊंगा अभी सो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस तुम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स गुड़ा डिटरमाइन कराई है क्वांटिटेटिव वेरिएशन इज यूजुअल इंडिकेट बाय योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ओके ए बुकटा हूँ कैंपेल बुक्सटा मो पा बेंजामिन पियर्सन बुक्सटा मतलब मिलूनी एक्चुअली सोना जो मिले मुझे तुमको से चेक कर देखेदेवि सो एटा हूँ सिंपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस गोटे एग्जांपल जमी गोटे मेल आ फीमेल भितर जो क्रॉस ब्रीड करे से कौन ना बहुत सारा मल्टीपल एलील्स रोचे जहाँकि तुम फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट होती है जमीन फास्ट केस तुम डार्क स्किन एलील्स केस जीरो डार्क स्किन होती फिनोटिपिकली सो एटा फिनोटिपिकली पूरा लाइट कलर अच्छी सो ये टाइप र छा डिफरेंट लाइट कलर अच्छे आउ बेसिकली 15 by 1 by 64 6 by 64 15 by 64 and 20 by 64 ये टाइप र तुम फिनोटिपिकल ऑब्जर्वेशन आसो सो आशा कर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट और पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस को बुझी जाइए सो आज क्लास में थैंक यू।